G20 को लेकर दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इस वक्त मैं दिल्ली के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद हूं और यहां पर एक सिक्योरिटी ड्रिल हो रही है। आप देख पा रहे हैं BSF का एक ये चॉपर आया हुआ है जिसमें कमांडोस एक एक करके चॉपर के अंदर दाखिल हो रहे हैं और अब से कुछ देर बाद वो सिक्योरिटी ड्रिल होगी जिससे ये पता चलेगा कि अगर दिल्ली में G20 समिट के दौरान अगर कोई आपात स्थिति होती है तो वहां पर कमांडोज, ये वो कमांडोज हैं दिल्ली पुलिस के जिनको 3 महीने तक खास तौर से ट्रेनिंग दी गई है, उनको ट्रेंड किया गया है। और अब ये देख पा रहे हैं बकायदा चॉपर के जरिए रस्सियों के सहारे ये कमांडोज एक एक करके उतरते हुए आपको दिखाई देंगे। तकरीबन 178 कमांडोज हैं जिसमें कुछ महिला हैं। अगर G20 समिट के दौरान कहीं से भी कोई ऐसी सूचना आती है, टेरर एक्टिविटी की सूचना आती है, तो ये कमांडोज इस चॉपर के जरिए उस बिल्डिंग पर या उस स्थान पर इस तरह रस्सियों के सहारे उतरेंगे और अपनी पोजीशन लेंगे। खास तौर से इन कमांडोज को ट्रेनिंग दी गई है और G20 के दौरान ये जो कमांडोज है जिनको विशेष ट्रेनिंग दी गई है, इनको नई दिल्ली के आसपास के इलाकों में, एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में तैनात किया जाएगा अत्याधुनिक हथियारों से। तो ये विशेष दस्ता जो दिल्ली पुलिस का कमांडोज का विशेष दस्ता है, इनको G20 के लिए खास तौर से तैयार किया गया है। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली।